अंदर वार्ताएं हुई अधिकारियों के साथ, सहमत है उससे? जी बिल्कुल, जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है, आयोग तीन व्यक्ति से मिलकर बना है, एक चेयरमैन और दो मेंबर, और ये तीनों जो डिसीजन लेते हैं उनके आधार पर एग्जामिनेशन कंट्रोलर सचिव या अन्य अधिकारी पदाधिकारी उनको नाम से चिट्ठी निकलता है। तो हम लोग का दो मेंबर से बैठ करके लंबी वार्ता हुई और दोनों मेंबर को स्पष्ट रूप से सभी मामलों पर विस्तार से बातें हुई और सभी बातों को सकारात्मक लेते हुए पहल करने का हम लोग को आश्वासन मिला। और PGT का जो ऑप्शन में फेरबदल किया गया है आंसर की और रेस्पॉन्स की के मामले पर, हम लोग ने स्पष्ट रूप से कह दिए हैं कि जब तक जांच करके संतोषजनक जवाब नहीं आता है तब तक आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या रिजल्ट का प्रोसेस नहीं किया जाएगा, और अगर किया जाए तो फिर से हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। दूसरा, नगर पालिका का और लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन का परीक्षा में जो सवाल खड़ा हो रहा था, नगर पालिका में पेपर लीक हो, धांधली हो, लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन में जो कर्मवार एक ही सेंटर पर लगातार रोल नंबर वाइज का पास जो बात हुआ है उसका भी जो है कि हम लोग जाँच का बात किए हैं। जूनियर इंजीनियर रिजल्ट जो पेंडिंग है ये अगला महीना जनवरी तक में आ रहा है। साथ ही साथ जो आने वाला विज्ञापन के बारे में हम लोग बात किए तो जिला पुलिस का लगभग 6000 पद एक सप्ताह के अंदर आ रहा है, LDC के लिए नोटिफिकेशन आने वाला है, और साथ ही साथ सचिवालय आपका सीजीएल टेक्नीशियन का पोस्ट, टेक्निकल का पोस्ट आ रहा है। इस तरीके से ये हम लोग का वार्ता एक तरह से कहे कि बहुत सकारात्मक रहा और आज का आंदोलन जो शाम तक डटे रहे इसके लिए राज्य के सभी शिक्षक को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, सभी छात्र को बहुत बहुत धन्यवाद। ये आंदोलन शांतिपूर्ण रहा, सफल रहा और वार्ता भी सफल रहा, और हम लोग ने स्पष्ट रूप से कहे हैं कि जितना वार्ता हुई है इस वार्ता पे अगर पहल करते हुए 15 दिनों तक अंदर हम लोग को विश्वास नहीं होगा तो सभी शिक्षक सभी छात्र मिलकर के आगे का आंदोलन को लेकर के हम लोग 15 दिन के बाद फिर रणनीति बनाएंगे।